हमीरपुर में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूपी के हमीरपुर जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ, जो राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशासन के आला अधिकारी सहित आम जनमानस ने योग किया, जिसमें सदर विधायक मनोज प्रजापति मौजूद रहे। इसके अलावा राठ की रामलीला मैदान में जिला पंचायत अध्यक्ष और राठ विद्यालय ने योग दिवस मनाया। हमीरपुर में नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष विंग वेलनेस सेंटर के तत्वावधान में नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशासन के आला अधिकारी सहित आम जनमानस ने योग प्रशिक्षण की देखरेख में योगाभ्यास किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए वक्तव्य को भी सुना गया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हर घर आंगन योग थीम के अंतर्गत नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं राठ की रामलीला मैदान में जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत और विधायक राठ मनीषा अनुरागी ने लोगों के साथ योग दिवस मनाया। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी जनपदवासियों को नौवीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सभी जनपदवासियों से आग्रह करती हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए नित्य प्रतिदिन योग अभ्यास करें, जिससे हम सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। और पुनः सभी जनपदवासियों को कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग योग करते हैं तो योग से अपने न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि जो दिनचर्या के काम होते हैं उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। सभी जनपदवासियों को सादर प्रणाम करती हूँ। करो योग, रहो निरोग। क्या संदेश देंगे जनता को योग के विषय में? आप सभी लोगों को मैं योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बड़ा बड़ा गौरवशाली पल है हमारे लिए कि पूरे दुनिया में यूएनओ ने हमारी शक्ति को स्वीकार किया है, ऋषि परंपरा को स्वीकार किया है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरी दुनिया में हमारे इस वैदिक परंपरा का लोहा बनवाया है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपनी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपके माध्यम से मैं आम जनमानस से अपील करना चाहता हूँ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये परंपरा प्रारंभ की है, इस परंपरा को हर घर आंगन योग के माध्यम से प्रत्येक दिन हम अपने आप को इससे जोड़ करके अपनी ताकत को बढ़ाते हुए रोज़मर्रा के जो काम है उसमें अपने आप को समर्पित करते हुए राष्ट्र को कैसे परम वैभव ले जाए, इसके लिए हम कृत संकल्प। बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, इसमें माननीय विधायक जी, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष, ये लोग उपस्थित रहे। इनके साथ कई हजार की संख्या में स्टेडियम में लोगों ने योग किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुना और इस उपस्थिति से ये भी संदेश मिला कि लोगों के मन में योग के प्रति, योग कार्यक्रमों के प्रति, योग के संबंध में दिए गए निर्देशों के प्रति कितनी जागरूकता है, कितना विश्वास है। मुझे विश्वास है कि लोग यहाँ से योग की शिक्षा भी ले जाएंगे और योग को अपने नियमित जीवन में डालेंगे ताकि वो स्वस्थ रहें और समाज को स्वस्थ करते हुए एक अच्छी दिशा समाज को दे सकें और हमारा देश, हमारे देश के नागरिक सब लोग मजबूत हों और अपने जीवन में जो भी इच्छित है उसको प्राप्त करें। अपडेट मीडिया के लिए हमीरपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट।